वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए मैंने दो मैट्रिसेस ले लेनी है, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है 2/2 और बी का ऑर्डर दिया है 2/2। हम निकालना चाहते हैं ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और बी की वैल्यू मेरे पास है 7, 1, 3, 0, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए मेन रूल क्या है? दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ए का ऑर्डर कितना है? 2/2। बी का ऑर्डर कितना है? 2/2। अब ए और बी का सेम है तो ऐड, दो मैट्रिक्स को हम जब ऐड करेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1, यहां पर 7, तो 1 प्लस 7, ये 2, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 1, 2 प्लस 1, ये 3 प्लस 3 और 4 प्लस 0, मेरे पास क्या बन गया? 8, 6, 3, 4, ठीक है। ऐसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। एडिशन के लिए रूल तो वही रहेगा। अब नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए भी सेम रूल है कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। तो अगर ये दो एग्जांपल ले लें, एक का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/2, हमने a माइनस बी निकालना है। मान लो यहां पर मैंने माइनस निकालना है, तो यहां पर भी क्या हो गया? माइनस। तो आगे रूल सेम है, माइनस कब हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और माइनस करते वक्त कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे। तो यहां पर 1 माइनस होगा 7 में से और 2 माइनस 1 नीचे, 3 माइनस 3 और 4 माइनस 0, तो ये हमें दे रहा है रिजल्ट माइनस का 6, 0, +1 और 4। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर यहां पर यूज हो रहा है, नंबर को हम मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, वी वांट टू फाइंड 2A, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। मान लो 2 है मेरे पास, 1, 2, 3, 4। अब ये 2 है, मैट्रिक्स में जो स्केलर होता है वो मैट्रिक्स के अंदर जाने के बाद सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 2 से 3 से 6, 2 से 4 से 8, तो यू गेट 2A, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 2, 3, मानी कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 4b निकालना है, तो 4 टाइम्स b 1, 2, 3 इसके इक्वल होगा, 4 अंदर चला जाएगा तो 4, 8 एंड 12, ठीक है। दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो नंबर मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ही टॉपिक है हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लें, मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है? हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है? दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होंगे, ठीक है, वो नेचुरली दे आर इक्वल। और कन्वर्सली अगर हम कहें कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए होंगे तो उनका ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर
x मैट्रिक्स से गिवन है, इक्वल किसके दिया है ये 1z 3 4 के। अब हमें दिया है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, नेचुरली दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, दिख भी रहा है कि ऑर्डर उनका क्या है सेम है। दूसरी बात हम कहते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे देन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वन इक्वल टू वन वो तो पता ही लिखने की जरूरत नहीं है, तो टू किसके इक्वल हो गया जेड के और एक्स किसके इक्वल हो गया थ्री के, वाई किसके इक्वल हो गया फोर से फोर के। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने जेड एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है कर लिया नोट। आज हम सिंपल दिए हैं, यहां पर लिखा है ए माइनस बी टू ए प्लस सी टू ए माइनस बी थ्री सी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन फाइव जीरो थर्टीन, ठीक है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हैं इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए माइनस बी किसके इक्वल होगा माइनस वन के, टू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा जीरो के, यहाँ टू ए प्लस सी किसके इक्वल होगा फाइव के और थ्री सी प्लस डी किसके इक्वल होगा थर्टीन के, ठीक है जी। अब ये दो इक्वेशन है ए माइनस बी माइनस वन टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर है, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, उसके लिए अगर इन कोएफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं, बी के कोएफिशिएंट वैसे सेम है तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस का बी प्लस का बी कट देंगे, ए माइनस टू ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन कट के मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई वन। अब ए की वैल्यू मेरे पास वन आ गई है, मेरे पास टू ए प्लस सॉरी ए की वैल्यू मेरे पास वन आ गई है, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू वन पुट करेंगे यहां पर वन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस बी माइनस वन माइनस वन माइनस बी माइनस टू कट के मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बी की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई टू। अब ए की वैल्यू भी सॉल्व हो चुकी है बी की वैल्यू भी सॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन क्या है टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो ये टू इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो सी कितना आ जाएगा फाइव माइनस टू यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। ए भी आ गया बी भी आ गया सी भी आ गया, अब फोर्थ इक्वेशन को देखें किसकी इक्वल है थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टी, तो यहां पर वैल्यू पुट करो थ्री इंटू थ्री प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, नाइन प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, डी कितना आएगा थर्टीन माइनस नाइन तो डी इज फोर, ठीक है जी। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने वेरिएबल्स को फाइंड कर लिया, ठीक है नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हमें गिवन है थ्री एक्स वाई जेड पी इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस वन टू पी प्लस फोर एक्स प्लस वाई जेड प्लस पी थ्री, ठीक है इसको सॉल्व करना है। इस साइड देखें तो बाहर थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रूप के साथ थ्री अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ हो गया थ्री एक्स, ये थ्री मतलब थ्री वाई थ्री जेड थ्री पी, दूसरी साइड दो मैट्रिक्स क्या हो रही है प्लस हो रही है, प्लस करने का रूल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, यहां पर एक्स प्लस फोर सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे माइनस वन प्लस जेड प्लस पी, यहां पर टू पी प्लस थ्री, ठीक है जी। अब सिंपल है दो मैट्रिक्स इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मेरे पास थ्री एक्स किसके इक्वल होगा एक्स प्लस फोर के, थ्री वाई किसके इक्वल होगा सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई के, यहां पर थ्री जेड किसके इक्वल होगा माइनस वन जेड प्लस पी के और थ्री पी किसके इक्वल होगा
2p+3, ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले 3x किसके इक्वल है, x प्लस 4 की, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो ये बस 2x किसके इक्वल आ गया 4 के, 2 आंसर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट यहां पर 3y किसके इक्वल है, 6 प्लस x प्लस y, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू यहां फिल कर देंगे 3y, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, 6 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां आ गया 2, 3y minus y, 2y is equal to 8, 2 के टेबल कट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब थर्ड इक्वेशन के अंदर z भी है और p भी है और फोर्थ में अकेला p है, तो फोर्थ से हम p निकाल लें, मेरे पास क्या आएगा 3p minus 2p is 3, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहां पर चले तो 3z है minus 1 plus 2p, तो 3z minus z minus 1 plus p, तो 2z, p की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम 3, यहां पर आ जाएगी minus 1 plus 3, तो 2z is 2, 2 के टेबल पर कट किया तो z कितना आ गया हमारे पास 1। इससे हमने क्या किया, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई और p की।